बीएल का। हमारे पुंछ में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं। हम मतलब जो सीवियर केसेस होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो वो हमारे पास नहीं है। उसके लिए हम उनको जम्मू या रजौरी जीएमसी में रेफर करते हैं। बट अगर नॉर्मल किसी को सैचुरेशन या इन चीजों की होती है तो हम मॉनिटर रख के, यहाँ पे मॉनिटर भी है और हम ऑक्सीजन यहीं पर लगा के उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई का ताल्लुक है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस वक्त 200 सिलेंडर्स हैं, जिनमें से 100 जो हैं वो डी टाइप यानी छोटे टाइप के हैं और बी टाइप जो बड़े टाइप के हैं। तो हमने यहाँ पे इसके अलावा मंडी, मेंढर और सुरकोट में भी एक एक 100 सिलेंडर जो हैं वो रखे हुए हैं। हमें जो ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स में देखते हैं कि कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स में कम ही आ गई है या उनमें ऑक्सीजन जो है वो एम्प्टी हो गए हैं, तो हम उनको इमीडिएटली यहाँ से गाड़ी में डाल के जम्मू भेजते हैं और ये जम्मू से फिल होके रात को हम भेजते हैं, सुबह यहाँ पर पहुँचाते हैं। तो इसमें हमें ऑक्सीजन की कोई डेफिशिएंसी या कोई कमी नहीं है। कोविड वार्ड के लिए ऑक्सीजन का भी प्रोविजन आपने कर लिया? हाँ, कोविड वार्ड के लिए हमारा जो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड है वो तैयार हो चुका है और मैंने वार्ड में वेंटिलेटर भी इंस्टॉल कर लिए हैं और हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हम उनको यहाँ एडमिट भी करते हैं पॉजिटिव पेशेंट्स को। और फिलहाल एनेस्थेटिस की हमें प्रॉब्लम आ रही है, वेंटिलेटर ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एनेस्थेटिस सिर्फ एक है हमारे पास और वो 24 आवर्स काम भी करता रहता है। तो मैंने डॉक्टर मैडम से भी ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी दी हुई है इन पेपर और उस दिन हमारी वीसी में बात भी हुई तो मैंने कहा था कि मुझे एनेस्थेटिस और चाहिए और एनेस्थेटिस टेक्नीशियन भी चाहिए। तो अगर हमें एनेस्थेसिया टेक्नीशियन और एनेस्थेटिस मिल जाएंगे तो हम वेंटिलेटर को ऑपरेट भी कर सकते हैं।